प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है, जिसमें ये आदेश जारी किए गए हैं। कांवड़ पथ पर जितने भी व्यापारी अपनी दुकान लगाते हैं, उन दुकानों पर अपना नाम मेंशन किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मौलाना इंतजाब कदरी साहब हैं, सीधा उनसे जानेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहना है। जी, एक फैसला आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? वो फैसला मैंने भी पढ़ा है और देखिए, कोई बुराई नहीं है इस बात में। जो कांवड़ यात्रा है, ये एक धार्मिक यात्रा है और हो सकता है कि उस धार्मिक यात्रा में वो लोग जो खाते पीते हों, तो उसमें कुछ ऐसा नियम हो कि हमें अपने ही धर्म वाले के दुकान से खाना है या उसी के हाथ का बना हुआ खाना है। तो इस हिसाब से अगर उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, आप अपने आप को जाहिर कीजिए कि आप कौन हैं, ताकि हमारा जो तीर्थ कांवड़ यात्री है वो अपने हिसाब से फिर ख़रीदे। अगर उसको दिल करेगा कि हाँ मुझे किसी दूसरे धर्म वाले का भी खाना है तो ठीक है, नहीं खाना है तो वो नहीं खाएगा, तो होना चाहिए। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वैसे भी होटलों पे लोग जो मुसलमान हैं तो वह काबा शरीफ की, मदीने शरीफ के टुकड़े वगैरह लगा कर रखते हैं। जो हमारे हिंदू भाई हैं तो वो अपने देवी देवताओं का लगा कर रखते हैं। वो इसी बात के लिए होता है ताकि स्पष्ट रहे कि ये शॉप, ये होटल, ये रेस्टोरेंट किसका है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पर मुस्लिम होटल ऑनर हैं और जो है तुम्हारा नॉन मुस्लिमों के नाम से संचालित किया जाना है, ऐसे लोगों को लेकर क्या कुछ कह रही है? आपने असल में एक बात कही कि कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि जो हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने रेस्टोरेंट वगैरह या होटल चला रहे हैं। इसका उल्टा भी है, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई ऐसे भी हैं कि जो मुसलमानों के नाम से, सरकार गरीब नवाज के नाम से, देखिए अजमेर शरीफ में कितने होटल, कई ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर जो है तुम्हारा नॉन मुस्लिम मुसलमानों के नाम से जो है तुम्हारा अपने होटल संचालित कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हाँ, तो ये चीज़ें दोनों तरफ हैं और दोनों ही गलत हैं। देखिए, आप जो हैं आप उसको जाहिर कीजिए, और जो आप हैं अगर आप उसको जाहिर करने में, उसको बताने में, उसको जताने में अगर आपको कहीं पर भी झिझक हो रही है, तो समझ लीजिए कि आप वो हैं ही नहीं पक्के। अगर आप हिंदू हैं और आपको अपने आप को हिंदू बताने में शर्म आ रही है, तो अभी आप हिंदू हैं ही नहीं पक्के। अगर आप मुसलमान हैं और आप अपने आप को मुसलमान शो करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो किस बात के मुसलमान हैं आप? डूब मरिए आप। तो बिल्कुल नहीं, जो आप हैं वो बताइए, क्या होगा? बहुत से बहुत दुनिया की कोई नेमत आपके हाथ से चली जाएगी, कोई पैसा आपके हाथ से चला जाएगा। यार, आपके दीन, आपके धर्म के आगे पैसे की क्या औकात है? तो जो आप हैं आप उसको जाहिर कीजिए, दोगली पॉलिसी नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का फैसला कैसा है? हाँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हम इसको शरीय नुक्ते नज़र से भी देखें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे मेरी नज़र में हैं कि जो कुछ ख़ास दिनों में सिर्फ मुसलमान के ही हाथ का खाते हैं, ऐसे हैं बहुत सारे, वो जो कुछ दिनों में कुछ अमल करते हैं या कोई चिल्ला कर रहे हैं, तो उनका ये होता है कि साहब इन दिनों में हमें सिर्फ ये खाना है। उनका खाना भी मखसूस होता है कि मुझे इसमें गोश्त ही खाना है या गोश्त नहीं खाना है, सिर्फ सब्जियां ही खानी है, मुझे इसमें खाली पानी ही पीना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें उनको सिर्फ अपने ही हाथ का खाना होता है, या अपने घर वाले के ही हाथ का खाना होता है, या अपने ही मजहब वाले के हाथ का खाना होता है, तो अपने अभी ऐसा होता है। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ये अपने अपने मामूल की बात है। मौलाना साहब, एक प्रकरण बहुत जो है सुर्खियों में है, मौलाना तौकीर रजा के द्वारा प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी सामूहिक निकाह करने की, तो जिस तरीके से सामूहिक निकाह की अनुमति मांगी गई थी, इस पूरे प्रकरण को किस नज़रिए से देखते हैं? सामूहिक निकाह की, तो सामूहिक निकाह तो हो सकता है, और इसमें एक खास बात ये थी कि नॉन मुस्लिम जो लड़कियां थीं और लड़के थे, उनका धर्म भी परिवर्तन कराया ना था। हाँ, ये है परेशानी की बात। देखिए, सामूहिक निकाह कराने में कोई परेशानी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कराते, मैंने पढ़ा है निकाह, सामूहिक निकाह और सामूहिक विवाह होते थे, तो मैंने एक एक दिन में 100-100 निकाह मैंने भी पढ़ा है, तो सामूहिक निकाह होने में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, धर्म परिवर्तन और उसको ऐलान के साथ कराना, तो जिस बात के लिए हम दूसरों पर उंगली उठाते थे कि भाई ये गलत हो रहा है, आप किसी को ज़बरदस्ती या इसको हाईलाइट करके या शोबाजी करके आप किसी का ये कर रहे हैं, नहीं। अगर किसी को हिंदू से मुसलमान होना है, पहली बात तो एक बात मैं बता दूं कि 99 नहीं 99 बल्कि 99.5% आज के ज़माने में
हिंदू मुसलमान बनता है और मुसलमान हिंदू बनता है वो धर्म की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ अय्याशी की बुनियाद पर। कोई बहुत बड़ा आरोप है जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस पर इस बात को कह रहा हूँ। कोई हिंदू मुसलमान इसलिए नहीं हो रहा है कि मुझे इस्लाम पसंद आ गया, कोई मुसलमान इसलिए हिंदू नहीं हो रहा है कि मुझे हिंदू धर्म पसंद आ गया, बल्कि होता क्या है, किसी मुसलमान को कोई हिंदू धर्म की लड़की पसंद आ गई, किसी हिंदू धर्म वाले को मुसलमान धर्म की लड़की पसंद आ गई, इस बुनियाद पर ये सब चीज़ें होती हैं। मेरे पास कितने लोग आते हैं, साहब वो निकाह होना है, इनको ज़रा मुसलमान कर दीजिए। क्यों? निकाह करने के लिए, लड़की के लिए मुसलमान होना हरगिज नहीं। अगर कोई मुसलमान होना चाहता है इस्लाम की खूबियों की बुनियाद पर, और उसके लिए भी कोई उससे कराएगा नहीं, वो जाए प्रशासन के पास जाए, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दे और बताए कि मैंने इस्लाम को इस तरीके से पढ़ा, इसलिए मुझे इस्लाम पसंद है तो मैं ये इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। मगर शादी करने के लिए, किसी लड़की को हासिल करने के लिए, कोई निकाह करने के लिए और धर्म परिवर्तन, चाहे मुसलमान हिंदू बने या हिंदू मुसलमान बने, ये धर्म परिवर्तन नहीं है। मैं फिर उसे बिल्कुल स्पष्ट लफ्ज़ों में कहूँगा, ये सिर्फ अय्याशी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब उसी को हमारे तौकीर साहब ज़रा सा लेकर चल रहे हैं। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, जहाँ तक तौकीर साहब की बात है, बरेली एक बहुत बड़ी जगह है और जिस ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखता है वो ख़ानदान भी बहुत बड़ा है और सब अपने अपने कामों से लगे हुए हैं। कोई मदरसा चला रहा है, कोई खानका चला रहा है, कोई दारुल इफ्ता चला रहा है। ये एक हमारे मौलाना ऐसे हैं कि ये कुछ नहीं चला रहे हैं, तो ये हर दो चार महीने में इसी तरीके का कोई ना कोई मामला चलाते हैं। चलाएंगे तो फिर कुछ लोग भी आते हैं, फिर नजराने भी आते हैं, तो ये सब चलता रहता है। बाकी बहरहाल ये बिल्कुल भी माहौल के हिसाब से सही नहीं है और इससे माहौल बिगड़ेगा। हम दूसरों को भी मना करते हैं, हम अगर कोई हिंदू धर्म वाला इस तरीके के कोई प्रोग्राम करता है हम उसको भी अच्छी नज़र से नहीं देखते। अरे भाई, अगर किसी को होना होगा खुद जाके हो लेगा, तू ठेकेदारी किस बात की ले रहा है भाई? तो इसी तरीके से कोई मुसलमान इस बात की ठेकेदारी नहीं लेगा कि भाई मैं इतने लोगों को लेकर मुसलमान कर रहा हूँ। तो ख्वाजा गरीब नवाज बनने की कोशिश मत कर, जिसे होना खुद हो जाएगा। ख्वाजा साहब जो करना था कर गए, अपना पैगाम दे गए। अब जिसको इस्लाम बिल्कुल स्पष्ट है सारी दुनिया के सामने, अब किसी को मुसलमान होना होगा वो इस्लाम पढ़ेगा, दीन पढ़ेगा, कुरान हदीस पढ़ेगा और फिर जाकर अपनी बात रखेगा प्रशासन के सामने, मौलाना के सामने नहीं, प्रशासन के सामने, कहता मैंने दीन पढ़ा, मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं कबूल कर रहा हूँ। लेकिन इसको एक प्रोग्राम बना लेना, इसको एक पूरा सेमिनार बना लेना, इसको एक पूरा प्रोग्राम तरतीब दे देना, तो इससे तो माहौल ही ख़राब होगा इसका, और अलावा कुछ नहीं होने का है। सब इस बात से मुत्तफिक नहीं है। मौलाना तौकीर रज़ा के द्वारा जो अनुमति मांगी गई उससे भी नाराज़ हैं आप? ये तो ऐसा है कि साहब डीएम साहब मैं फला जगह चोरी करने जा रहा हूँ, मुझे चोरी की अनुमति प्रदान की जाए। साहब मैं ज़रा फला के थप्पड़ मारने जा रहा हूँ, फला का मर्डर करने जा रहा हूँ, डीएम साहब से अनुरोध है कि मुझे इसकी अनुमति प्रदान की जाए। ये तो ऐसे अनुमति होने लगी फिर तो ये सब बेकार की बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर मुरादाबाद में मौलाना इंतजाब कदीरी साहब से बात की गई है, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।